Hi everyone, welcome to my channel. This is Kiran Angural. In this video, I will be covering people's uprisings in British India, that is civil uprisings, peasants revolts, tribal uprisings, sepoy mutinies, सब कुछ जो भी 1857 revolt से पहले या उनसे बाद में हुआ है, जितनी भी uprisings आज तक हुई हैं इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, वो हम इसमें कवर करेंगे. एंड हमने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट जो है वो पूरा क्रोनोलॉजिकली कवर किया था अच्छे से. एंड बाकी और भी टॉपिक्स थे, जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, या फिर गवर्नर जनरल था, वाइस रॉयज इन इंडिया जो भी थे, वॉर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देन एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, पुलिस रिफॉर्म्स हो गए, वो सारे टॉपिक्स हैं. बट वो सारे बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, तो उनको अगर एक ही वीडियो में मैं सारा कवर कर दूँगी मैराथन सेशन में, वो आपको याद करना, ग्रास्प करना, एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए आई थॉट कि मैं इसका सेपरेटली अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है. तो वो आपके लिए याद करना भी ईजी रहेगा और रेलिवेंट रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिविल अपराइजिंग्स क्या क्या होती हैं. तो 1857 रिवॉल्ट से पहले कौन कौन सी सिविल अपराइजिंग्स होती हैं इंडिया में. फर्स्ट सन्यासी रिवॉल्ट होती है, देन रिवॉल्ट्स इन मिदनापुर एंड दलभौम होते हैं, रिवॉल्ट ऑफ मुआमारियाज होते हैं, अहोम के अगेंस्ट होता है ये, जो अहोम्स होते हैं असम में उनके अगेंस्ट होता है ये. देन रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम होता है केरल में. देन रिवॉल्ट ऑफ केरल वर्मा पदासी राजा, इनको पायशी राजा भी बोलते हैं, ठीक है. देन पोलिकार्स का रिवॉल्ट होता है साउथ इंडिया में. देन पालिका मेरी रिवॉल्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, पाइका रिवॉल्ट, वहाबी मूवमेंट, पर और भी बहुत सारे हैं. तो ये बहुत ही डेंस टॉपिक रहेगा, थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से आपको सुनना होगा. सो ये नाम थोड़े याद होने चाहिए आपको, कौन कौन से रिवॉल्ट हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. देन कुछ पीजेंट्स रिवॉल्ट होते हैं बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857. बिफोर 1857 नारकल बेरिया अपराइजिंग होती है, पागलपंथी रिवॉल्ट होता है, फैरासी रिवॉल्ट एंड मोपला रिबेलियन. तो इन सब में कुछ रिलीजियस अंडरटोन्स भी होती हैं, मतलब थे ये पीजेंट्स रिवॉल्ट बट उसके बाद में इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कम्यूनल बन जाते हैं ये. देन आफ्टर 1857 अगर आप बात करें तो इंडिगो रिवॉल्ट होता है, पबना अपराइजिंग होती है एंड डेक्कन रायट्स होते हैं. इसके अलावा किसान सभा मूवमेंट्स, ये सारे हैं 1920s के, और ये जो है ये 1857 के बाद जो भी रिवॉल्ट हुए ये वो थे, एंड ये स्पेसिफिकली 1920s के हैं, ठीक है. सो इसमें आते हैं किसान सभा मूवमेंट, एका मूवमेंट, बादोली सत्याग्रह एंड तेभागा एंड तेलंगाना मूवमेंट्स. देन ट्राइबल अपराइजिंग्स अगर हम देखें तो पहले हम देखें कि मेनलैंड इंडिया में कौन कौन सी ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं. पहाड़ियाज का होता है चुआर, कोल, कोली, कोया अपराइजिंग्स, को एंड मुंडास, संथाल, खोंड, रामोसी. तो ये मेनलैंड में, और याद रखना है कि मेनलैंड में कहाँ पर ट्राइबल अपराइजिंग्स होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, लाइक अपना जो ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, या फिर वेस्टर्न घाट्स में जो है भील अपराइजिंग हो गया, कोली अपराइजिंग्स हो गया, वो सब वेस्टर्न घाट्स में होंगी. एंड अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वहाँ पे अहोम्स की अपराइजिंग्स होती है, खासी रिवॉल्ट होते हैं, सिंगफोज होता है, सिंगफोज रेबिलियन असम में, कुकी, जिया लोंगसोंग, नागा मूवमेंट्स, ये तीनों जो है मणिपुर में होते हैं, खासी जो है मेघालय में होगा, ठीक है. सो ये चीज़ें हम देखेंगे. एंड लास्ट में सिपॉयज म्यूटिनी के बारे में भी हम समझेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज हुई थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो पहले हम रीजन देखते हैं, व्हाट वर द रीजन फॉर अपराइजिंग्स बिफोर 1857 रिवॉल्ट. अभी ये जो हम कर रहे हैं सिविल अपराइजिंग सारी ही बिफोर 1857 वाली करेंगे, ठीक है. तो रीजन फॉर अपराइजिंग्स क्या थे, फर्स्ट आप देखेंगे कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बहुत ही हार्श लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसकी वजह से इवन जो टेनेंट्स उनको अपने लैंड से बर्खास्त किया जा रहा था, ठीक है, उनको लैंड से एविक्ट किया जा रहा था, एंड बहुत ही हार्श रेवेन्यू कंडीशंस थी, ज़्यादा रेवेन्यू ये लेते थे. देन टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, एविक्शंस हो रही थी, इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड्स हो रहा था, ये सब रीजन थे फॉर अपराइजिंग्स. अब हम स्टार्ट करते हैं सिविल अपराइजिंग्स से. तो सिविल अपराइजिंग्स जो है ये वैसी अपराइजिंग्स थी जो कि नेटिव रूलर्स ने कर दी, या फिर फॉर्मर जमींदार्स, पॉलीगार्स. पॉलीगार्स क्या होते थे, जो कि साउथ इंडिया में नायकाज या रूलर्स ने इनको लैंड ग्रांट किया होता था उनकी मिलिट्री सर्विसेज के लिए. एंड ये जो टेरिटरीज उनको दी जाती थी, जो भी लैंड ग्रांट किया जाता था, दैट वाज कॉल्ड एज पलायम, ठीक है. एंड पॉलीगार्स जो है साउथ इंडिया के लिए पर्टिकुलरली टर्म यूज़ की जाती है. देन अगर हम बात करें सिविल अपराइजिंग्स के रीजन क्या थे, तो जमींदार्स एंड पॉलीगार्स जो है उनको अपना लैंड रेवेन्यू का कंट्रोल चला गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अलग से गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया था, तो उसकी वजह से ईगो क्लैशेस भी रहती थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में. तो दीज वर द रीजन्स, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बट ये मेन रीजन्स जो स्पेक्ट्रम में मेंशन करे गए हैं वो हमने कर दिए. अब हम स्टार्ट करते हैं सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 1857 रिवॉल्ट. उसमें हमने फर्स्ट देखा था सन्यासी रिवॉल्ट. अभी आप देखेंगे आगे जो हम ऑलमोस्ट 7 to 8 रिवॉल्ट करेंगे वो ईस्टर्न इंडिया में हुए हैं,
तो आपको इनका रीजन पता होना चाहिए, मेनली किस रीजन में हुए हैं, उनके रीज़न क्या है, क्या कारण था उनका, एंड लीडर्स के नाम पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखें, सन्यासी रिवॉल्ट होता है 1763 टू 1800, ये चलता है, मतलब बीच बीच में रिबेलियन कभी होती है, कभी रुक जाती है, कभी सप्रेस कर दी जाती है, उस तरीके से सन्यासी रिवॉल्ट है। सन्यासी जो इनको फ़कीर्स भी कहते हैं, तो इसको फ़कीर रेबिलियन भी कहा था। रीजन क्या थे, फेमाइन ऑफ 1770 और बहुत हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर था, ठीक है, ये रीज़न हो गए। एंड लीडर्स कौन कौन से इसमें, तो सन्यासी रिवॉल्ट में लीडर्स जो थे वो थे मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। एंड देवी चौधरानी का जो रोल था सन्यासी रिवॉल्ट में, उसी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक देवी चौधरानी करके नॉवल भी लिखा था। एंड इस पूरे सन्यासी रिवॉल्ट के बेसिस पे एक नॉवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, दैट इज़ आनंद मठ, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट सन्यासी रिवॉल्ट ओनली। एंड सन्यासी रिवॉल्ट के टाइम पे वॉरन हेस्टिंग्स जो हैं ये अपना गवर्नर थे उस टाइम। ये हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं एंड फर्स्ट किनको अपॉइंट करते हैं, वॉरन हेस्टिंग्स को। एंड ये ईस्टर्न इंडिया में होता है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन सब रीजन्स में ही होता है, ठीक है। सो लीडर्स के नाम अगर हम देखें, मजनू शाह, मूसा शाह, ये दो याद रख लीजिए, सन्यासी रिवॉल्ट में मजनू शाह, मूसा शाह, दोनों ही शाह वाले हैं, चिराग अली है, भवानी पाठक है, देवी चौधरानी याद रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू थी, ये भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिवॉल्ट्स एट मिदनापुर एंड दलभौम, तो ये भी बंगाल में है रीजन्स, ठीक है। अब हम ईस्टर्न इंडिया की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये 1766 टू 1774 चलता है। रीज़न क्या था, यहाँ पे एक न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके पहले क्या था, जो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन से वहाँ के रेयॉर्ट्स एंड जमींदार्स में, बट इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से इनके रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, तो ये दोनों आपस में मिलके जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं, दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ थल। तो दलभौम से आपको याद रखना है कि मिदनापुर दलभौम बंगाल में ऐसा रिवॉल्ट हुआ था, दलभौम में डी है, तो इसके लीडर्स के नाम में भी डी है, दामोदर एंड धल, जगन्नाथ दल एंड दामोदर सिंह, ठीक है। मूसा शाह एंड चिराग अली, मजरू शाह, वो सब इनके से सन्यासी रिवॉल्ट में। नेक्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ मोमारियाज, ये होता है असम में, 1769 टू 99 होता है। तो मोमारियाज का असम में होता है, याद रखना है, किनके अगेंस्ट होता है, जो वहाँ के अहोम किंग्स होते हैं, जो उस टाइम रूल कर रहे होते हैं असम में, उन्हीं के ये अगेंस्ट करते हैं। एंड जो लो कास्ट पीजेंट्स हैं वहाँ के, लेड बाय अनिरुद्ध देव, तो इन्होंने लीड किया था लो कास्ट पीजेंट्स को, इन्होंने अहोम किंग्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। एंड यहाँ पे एक और लीडर सामने आते हैं, एक तो अनिरुद्ध देव आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिन्होंने लोकास पेडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था। एंड एक कृष्ण नारायण भी है, उन्होंने बुरकंदेश इनके हेल्प से इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। बुरकंदेश क्या होते हैं, दीज आर डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार्स। तो ये टर्म्स भी पूछ सकते हैं, ये बुरकंदेश क्या होते हैं, टर्म दे देंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे। तो दीज आर डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार्स। आई होप दिस इज क्लियर। मोमारियाज अगेंस्ट अहोम किंग्स असम में होता है, अनिरुद्ध देव, कृष्ण नारायण, बुरकंदेश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बारेज, तो ये बिहार वाले रीजन में होता है। यहाँ पे भी वॉरन हेस्टिंग्स जो हैं, यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि वॉरन हेस्टिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉर वगैरह कर रहे होते हैं मराठा, मैसूर वगैरह में, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो जब ये वॉर्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो यहाँ का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इतना सारा, उनको मीट करने के लिए, वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, यहाँ पे एडिशनल टैक्सेस जो है इन रीजन्स में लगा देते हैं वॉरन हेस्टिंग्स। एंड ये एक न्यू सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इजारादारी सिस्टम, ठीक है। इजारादारी सिस्टम मतलब कि रेवेन्यू फार्मर्स को अपॉइंट कर देते हैं कि यहाँ से भाई रेवेन्यू इकट्ठा करके लेके आओ, ये अवध में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाद में इस रिवॉल्ट के बाद में इसको रिमूव करना पड़ता है। एंड इजारादार सिस्टम में आपको याद रखना है, मेजर हैने जो हैं इनको अपॉइंट करते हैं ये अवध में, क्योंकि वो इस रीजन से काफ़ी अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो वॉरन हेस्टिंग्स जो है वो मेजर हैने को अपॉइंट करते हैं अवध में इजारादार की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, गोरखपुर, बस्ती, बहारेज में वॉरन हेस्टिंग्स जो है उसने वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एडिशनल टैक्स लगाए, इजारादारी सिस्टम लाया, उसकी वजह से ये रिवॉल्ट होते हैं। देन रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, तो विजयनगरम जो है कहाँ पे है, साउथ में है, विजयनगर, वैसा कुछ याद रख लो, विजयनगर जो है वो भी साउथ में था। तो विजयनगरम के जो राजा हैं ये साउथ में, यहाँ पे इशू क्या हुआ था,
इंग्लिश जो है और मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं और वहाँ के जो रूलर है राजा विजयनगर रूलर गजपता राजू, तो इन्होंने जॉइंटली एक ट्रीटी की थी कि हम फ्रेंच को मिलकर नॉर्दर्न सरकार से बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा हो गया, नॉर्दर्न सरकार से जो है ब्रिटिशर्स को निकाल दिया बाहर, सक्सेसफुल रहे, बट ब्रिटिशर्स जो है वो बाद में उनको डिच कर गए। उन्होंने कहा कि रूलर को कि एक तो आपको ट्रिब्यूट पे करनी होगी हमको, ठीक है, कुछ मनी वगैरह पे करनी होगी अपने रीजन से भी, एंड उसको ये भी कहा कि आप अपने ट्रूप्स को डिसबैंड कर दो। मतलब कि पहले दोनों ने मिलके फ्रेंच को हटाया नॉर्दर्न सरकार से, बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो देखना हर बार ऐसा करेंगे, बाद में उन्हीं की टेरिटरी को जो है वो उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न सरकार से इन्होंने ये सब ट्रिब्यूट वगैरह की मांग करने लग गए, फिर उसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। एंड नॉर्दर्न सरकार जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ मद्रास प्रेजिडेंसी एट दैट टाइम, फाइन। नेक्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ केरल वर्मा पदासी राजा। तो ये जो पदासी राजा हैं इनको केरल सिंघम भी कहते हैं, दैट इज़ लॉइन ऑफ केरल, एंड पायसी राजा भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, ये रूलर थे कोट्टायम इन मालाबार में, ठीक है, कोट्टायम एक टेरिटरी थी मालाबार में केरल में, तो वहाँ के ये रूलर थे। रीज़न क्या था इसका, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो इंग्लिश पैरामाउंसी जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कोट्टायम पे, जबकि एक अर्ली ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोट्टायम जो है ये इनको दिया होता है, ये ब्रिटिशर्स ने कहा होता है कि हम इस पे रूल नहीं करेंगे, इस पे कुछ भी एग्रेशन नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कि यहाँ पे ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। सो इसी चीज़ के अगेंस्ट जो है ये रिवॉल्ट होता है, ठीक है, कोट्टायम याद रखना है, केरल वर्मा पदासी राजा कोट्टायम, और ये आपको स्टोरी याद हो जाएगी, एंग्लो मैसूर वॉर जो थर्ड होता है उसके बाद ही होता है। नेक्स्ट इज सिविल रेबिलियन इन अवध। तो अवध में सिविल रेबिलियन होती है, तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम याद रखना है, वज़ीर अली खान, अवध के कंटेक्स्ट में वज़ीर अली खान, ठीक है। तो इनको ब्रिटिशर्स की हेल्प पे थ्रोन में आते हैं, लेकिन सून उनके रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाते हैं, एंड ब्रिटिशर्स जो है उनको हटा के उनके अंकल को थ्रोन पे रख देते हैं, एंड इन्होंने इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए मैसाकर ऑफ बनारस किया था, मतलब कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल किया था, तो उसी को कहते हैं मैसाकर ऑफ बनारस। नेक्स्ट इज रिवॉल्ट पालामाऊ में होते हैं, दैट इज़ झारखंड में। तो ये होता है बिकॉज ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस एंड फ्यूडल सिस्टम की वजह से, यहाँ लीडर होते हैं भुक्खन सिंह, ठीक है, पालामाऊ में भुक्खन सिंह। तो कैसे याद रख सकते हैं, या पालामाऊ देखो, पालामाऊ में लास्ट में यू है एंड भुक्खन सिंह में भी यू है, तो ऐसा ही कुछ लिंक कर लो। जैसे हमने अभी रिवाइज करें अगर हम मूसा शाह, या आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, मूसा शाह, चिराग अली, देवी चौधरी, ये सब किन रिवॉल्ट के एसोसिएटेड थे, ठीक है, देन आप बताइए। भुक्खन सिंह तो मैंने बता दिया, अभी यू से याद रखना है पालामाऊ। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि अनिरुद्ध देव जो थे वो किस रिवॉल्ट से एसोसिएटेड थे, ठीक है, ये तीन चीज़ें आप मुझे बताएं। नेक्स्ट इज पॉलीगार्स रिवॉल्ट। रीज़न क्या होता है, बिकॉज नवाब ऑफ आर्कॉट जो थे ही गेव कंट्रोल ऑफ तिरुनवेली एंड कार्नेटिक एरियाज टू EIC, तो कंपनी को जो है इसका कंट्रोल दे देते हैं तिरुनवेली एंड कार्नेटिक एरियाज का। तो उसके अगेंस्ट एक पॉलीगार होते हैं काटा बोमम नायकन, तो इन्होंने ये रिवॉल्ट करा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन, ठीक है। सो इन रीजन में जब आपने इनको कंट्रोल दे दिया, वहाँ पर उन्होंने हाई टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहाँ पर काटा बोमम नायकन जो है एक पॉलीगार थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था। एंड इसमें एक और चीज़ है, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था कि टैक्सेशन रीज़न था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इन्हें, ये जो इन रीजन्स में कवल फीस जो है वो भी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ख़त्म कर दी, कवल फीस वो एबॉलिश कर दी। कवल फीस क्या होती थी, ये जैसे एक वॉचमैन कवल होते हैं वॉचमैन, तो जैसे वॉचमैन होते हैं उनके लिए फ़ीस होती थी अलग से, तो जैसे हेरिडिट्री विलेज पुलिस जो है वो फीस कलेक्ट करते थे, कवल फीस उनकी सर्विसेज के लिए, कि हम एक तरह का वॉचमैन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यही राइट जो है पॉलीगार्स को डिनाई कर दिया गया था, मतलब ये फीस एबॉलिश कर दी थी, जो कि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था, तो इसीलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट भी रिवॉल्ट किया। तो याद रखना है कि पॉलीगार्स रिवॉल्ट के मेन रीज़न क्या थे, पहला तो टैक्सेशन था, ठीक है, क्योंकि नवाब ऑफ आर्कॉट जो है उन्होंने ये टेरिटरीज जो है EIC को दे दी, उन्होंने हाई टैक्सेशन कर दिया, कवर फीस को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, तो इनकी वजह से काटा बोमम नायकन जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज भिवानी। भिवानी बस याद रखना है कि हरियाणा में एक जगह है, तो भिवानी का रिवॉल्ट जो है कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, जाट्स ऑफ हरियाणा ने करा था। नेक्स्ट इज दीवान वेलू थम्पीज रिवॉल्ट। दीवान वेलू थम्पीज रिवॉल्ट,
ये होता है ट्रावनकोर में, ठीक है, ट्रावनकोर में। और यहाँ रीज़न क्या था कि सब्सिडरी अलायंस होती है वेलेस्ले के अंदर, ट्रावनकोर जो है वो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बन जाता है। एंड सब्सिडरी अलायंस के अंदर जब ये आता है ट्रावनकोर, तो वहाँ पे बहुत हार्श कंडीशन जो है वो लगा देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। एंड जब ये इन कंडीशंस को जो भी वहाँ पे हुई थी, जो भी सेटअप हुआ होगा उनका, तो वहाँ पे वो पे नहीं कर पाए उतना जितना उनको पे करना था, ट्रिब्यूट वगैरह वो उतना पे नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया उनके इंटरनल मैटर्स में, तो इसी के अगेंस्ट ट्रावनकोर के जो ये दीवान थे, दीवान वेलू थम्पी, इन्होंने रिवॉल्व कर दिया। तो याद रखना है थम्पी से ट्रावनकोर, याद कर लो थम्पी से ट्रावनकोर। और आप मुझे बताइए कोट्टायम जो था मालाबार में, तो वो वहाँ पे रूलर कौन थे, वहाँ पे कौन सा रिवॉल्व हुआ था, इसको भी देखिए आप, नाम ना ऐसे ही याद हो जाएंगे। थम्पी है, थम्पी ट्रावनकोर, वहाँ पे क्या था, केरल राजा पदासी राजा ऐसे करके था ना, तो केरल कोट्टायम ऐसे याद रख लो, जो के से है वो के साथ ही स्टार्ट हो रहे, कोट्टायम केरल, और थम्पी रिवॉल्ट ट्रावनकोर, फाइन। बस इसी तरीके से वियर ट्रिक से ही याद होगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, वो याद नहीं रहने वाला ऐसे। तो ये वेलू थम्पी रिवॉल्व जो होता है, इनको नाया ट्रूप्स हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो याद रखना है कुंडारा प्रोक्लेमेशन, कुंडारा प्रोक्लेमेशन क्या है, यहाँ पे ये जो दीवान वेलू थम्पी होते हैं, ये ओपनली कहते हैं कि आर्म्स रेडो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये कुंडारा प्रोक्लेमेशन था, कुंडारा प्रोक्लेमेशन रिलेटेड टू वॉट, ट्रावनकोर में जो दीवान वेलू थम्पी रिवॉल्व हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना है कुंडारा जो है, कुंडारा वो एक्चुअल में ट्रावनकोर में हुआ है वेलू थम्पी के अंडर। नेक्स्ट इज़ पालेका मेडी आउटब्रेक, तो ये ओडिशा में होता है, बस जगह का नाम याद रख लो। आप याद रखना पी वाले जो मोस्टली होंगे ना, जैसे पालेका मेडी है, देन एक पाइका रेबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो ये दोनों ही ओडिशा में हुए हैं, पी वाले जो है ओडिशा में हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइजिंग एट बरेली, तो बरेली में रीज़न क्या होता है, पुलिस टैक्स, तो पुलिस टैक्स बरेली, देखो पी है ना पुलिस टैक्स, पुलिस टैक्स की वजह से बरेली में रिवॉल्ट हो गया, पी से बी बनता है ना, तो पहले पुलिस टैक्स उसका रीज़न था, और बरेली में ये राइजिंग हुई, ठीक है, पी और बी को लिंक कर लो। देन बनारस में हाउस टैक्स, ठीक है, बनारस हाउस टैक्स की वजह से बनारस में रिवॉल्ट हुआ था, और सूरत में होता है सॉल्ट ट्रीटी की वजह से, एस से एस याद रह जाएगा, बनारस का याद कर रख लो हाउस टैक्स, और बरेली का पुलिस टैक्स, ठीक है। एंड ये जो बरेली का होता है इशू, ये सून रिलीजियस इशू बन जाता है, वाई, बिकॉज वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद अहवाज जो है, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को पटिशन वगैरह दी थी, उसके बाद ये काफ़ी रिलीजियस इशू हो गया था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जो फैक्चुअल चीज़ें बताई उतना ही याद रखना है। नेक्स्ट कच्छ रेबेलियन होता है, तो कच्छ रेबेलियन जो है, यहाँ पे राजा भारमल होते हैं और उनके चीफटेंस होते हैं, तो उनके बीच में कुछ पावर स्ट्रगल चल रहा होता है, एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं, उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट ही कर देते हैं, ठीक है। कच्छ रेबेलियन कच्छ गुजरात में हुआ है, राजा भारमल, इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज पाइका रेबेलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इसको कहा जा रहा था कि इसको फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दो। तो पाइका रेबेलियन 1817 में होता है, ओडिशा में होता है, पालेका मेडी भी ओडिशा गंजाम में होता है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। तो पाइका रेबेलियन ओडिशा में होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल लैंड मिलिशिया होते हैं, दैट इज़ फुट सोल्जर्स होते हैं, तो उनको पहले क्या हो रहा होता है, रेंट फ्री लैंड टेन्यूर्स उनको मिले होते हैं फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, पुलिस फंक्शन कर रहे होते हैं वो, एंड हेरिडिट्री बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं। एंड जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्केस्ट किया ओडिशा को, तो राजा ऑफ खुर्दा को वहाँ पे डीथ्रोन कर दिया, ठीक है, राजा ऑफ खुर्दा होते थे वहाँ पे ओडिशा में उस टाइम पे, तो उनको डीथ्रोन कर दिया, हटा दिया उनको। एंड उसके बाद उन्होंने हार्श लैंड रेवेन्यू लगा दिया, फॉल्स प्राइसेस बहुत सारे बढ़ा दिए, उनकी जो कौड़ी करेंसी थी, ठीक है, ट्रेडिशनली जो उनकी कौड़ी करेंसी थी उसको एबॉलिश कर दिया, उनको कहा कि सिल्वर में टैक्स पे करो। तो इन सब रीजन की वजह से ये रिवॉल्ट होता है। और यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट लीडर का नाम याद रखना है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, तो ये इस रिवॉल्ट को लीड करते हैं, पाइका रेबेलियन को। एंड इस रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स जो है इस मैटर को सुलझाने के लिए वॉल्टर ईवर कमीशन को करते हैं अपॉइंट, ये ईवर है, वॉल्टर ईवर कमीशन अपॉइंट करते हैं, एंड इन्होंने जो भी अपना जजमेंट दिया वो ब्रिटिशर्स के फेवर में था, फाइन। तो ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है, राजा ऑफ खुर्दा एंड रीजन्स वगैरह, ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज वाघेरा अपराइजिंग होती है 1818-20। वाघेरा अपराइजिंग जो है ये तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट होती है, एंड गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा में गायकवाड़ रूल कर रहे होते हैं उस टाइम पे, उनके अगेंस्ट ये वाघेरा अपराइजिंग होती है। तो देखो बड़ौदा एंड वाघेरा, या तो ऐसे याद रख लो, बिकॉज डब्ल्यू और बी थोड़ा सेम साउंड करता है, ठीक है, और या तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वाघेरा में भी जी है और यहाँ में भी जी है, ठीक है।
वाघेरा अपराइजिंग या डब्ल्यू बी से याद रख लो बड़ौदा और ये और जी और गायकवाड़, ठीक है, याद रह जाएगा ये। एंड ये वाघेरा चीफ्स ऑफ ओखा मंडल होते हैं, ये रिवॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अहोम रिवॉल्ट ऑफ 1928। अहोम में हमने अहोम रूलर्स के अगेंस्ट मोमारियाज ने भी रिवॉल्ट किया था, जहाँ हमने देखा कि अनिरुद्ध देव वो होते हैं एंड एक बुरकंदेश जो है कृष्ण नारायण वो भी जो है यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं। अहोम रिवॉल्ट ऑफ 1828 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस करा होता है कि फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद में हम असम से विदड्रॉ कर जाएंगे। ये वॉर्स जो है ना, वॉर्स, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, ये सारे हम एक वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा। सो यहाँ पे ये इन्होंने कहा होता है कि फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद असम से विदड्रॉ कर जाएंगे, बट एक्चुअली विदड्रॉ नहीं करते हैं और वहाँ पे ही बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना हक जमा लेते हैं। तो इसके अगेंस्ट गोमधर कुंवर, एक बोंगोहेन है, एक बहुत लंबा सा नाम था फुकान लास्ट में उनका सरनेम था, तो ये तीन लीडर्स हैं, हमने गोमधर कुंवर जो है उनको याद रखना है, बोंगोहेन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ये इसको रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। तो अहोम रिवॉल्ट, गोमधर कुंवर, बोंगोहेन, ये नाम कुछ असमीज अहोम्स वाले हैं, तो ये आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे, थोड़े से यूनिक नेम्स हैं। एंड यहाँ पे फिर बाद में कंसीलिएशन कर लेती हैं EIC, इन्होंने अपर असम जो है वो एक महाराजा ऑफ पुरंदर जो है उनको दे देते हैं और लोअर असम जो है वो अहोम्स को रिस्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट वॉज कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवॉल्ट्स। तो ये गडकरीज होते हैं, यहाँ पे मिलिट्री क्लास होती है, हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास मराठास के अंडर, तो उन्होंने ये रिवॉल्ट किया था, याद होना चाहिए। कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवॉल्ट्स ये होता है महाराष्ट्र वाले रीजन में, गडकरीज जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टेट PSC में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी और UPSC में भी पूछने के चांसेस हैं, तो आप कर सकते हैं इसको याद। नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट ऑफ 1830s। तो वहाबी मूवमेंट जो है, ये नाम से ही दिख रहा है, एक इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। ये जब हम सोशल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर एक पढ़ेंगे उसमें समझ में आते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है एंड दूसरा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है, ये हम वहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, वहाबी मूवमेंट, एंड इट वॉज लेड बाय सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, ठीक है। बरेली यहाँ पे भी बी है और वहाबी है, तो W और बी को लिंक करना सीख जाओ, बरेली एंड वहाबी। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बड़ौदा एंड वाघेरा, ठीक है। सो वहाबी मूवमेंट राय बरेली के सैयद अहमद थे, उन्होंने किया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अब्दुल वाहब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, इनका इन्फ्लुएंस था। एंड ये चाहते थे कि प्योर इस्लाम जो है वो वापस आना चाहिए। मेन जो इनका सेंटर था वहाबी मूवमेंट का, दैट वॉज पटना। अदर जो सेंटर थे वो थे हैदराबाद, मद्रास, UP, बॉम्बे। ये चाहते थे दारुल हर्ब जो है, लैंड ऑफ काफिर्स को कन्वर्ट करना है इनटू दारुल इस्लाम, दैट इज लैंड ऑफ इस्लाम। एंड इन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट सिख किंगडम ऑफ पंजाब। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट इज कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट जो है, याद रखना है, कूका मूवमेंट इज डिफरेंट, ये एक सिविल अपराइजिंग है, एंड कूकी मूवमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। वो एक ट्राइबल में हम पढ़ेंगे जो कि मणिपुर में रहेगा। ये कूका मूवमेंट जो है ये पंजाब में होता है 1840 में। इसमें जो मेन लीड कर रहे होते हैं इसको, वो होते हैं भगत जवाहर मल, इनको सियां साहिब भी बोलते हैं, ठीक है। तो भगत जवाहर मल कूका मूवमेंट, इसमें बाबा राम सिंह जो है बाद में वो भी आते हैं। पहले लीड करते हैं भगत जवाहर मल, उनके बाद लीड करते हैं बाबा राम सिंह, जिन्होंने नानधारी सिख सेक्टरी उसको भी फाउंड किया था, तो ये भी पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे अपना जो स्वदेशी मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उससे पहले ही इनके कॉन्सेप्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट के जो चीज़ें थी कि हमको स्वदेशी पे फोकस करना है, बायकॉट करना है फॉरेन गुड्स को, नॉन कोऑपरेशन करना है, ये सब मेथडोलॉजी जो है ऑलरेडी इस मूवमेंट में अपना चुके होते हैं। सो यहाँ पे आपके सिविल अपराइजिंग्स जो है वो ख़त्म होते हैं। ये सारे ही अपराइजिंग्स जो है 1857 रिवॉल्ट के पहले हुए होते हैं, ठीक है, जो सिविल अपराइजिंग्स है। एक बार क्विकली इसको देखते हैं कौन कौन से हमने अपराइजिंग्स देखे, बहुत ज़्यादा थे ये, बट आई होप कि ट्रिक्स के हेल्प से आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो सुनो तो आपको याद हो जाएंगे। सन्यासी रिवॉल्ट जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे लीडर्स देख लेना, मिदनापुर एंड दलभाम में होता है, मोमारियाज रिवॉल्ट करते हैं, गोरखपुर, बस्सी, भारेच, यहाँ पे अपराइजिंग्स होती हैं, रिवॉल्ट ऑफ राजा विजयनगरम, रिवॉल्ट ऑफ केरल वर्मा प्रतापी राजा, अवध में होती है वजीर अली खान के अंडर, पालामाऊ भूखंड सिंह के अंडर, पालीगढ़ रिवॉल्ट होता है, कट्टाबोम नायकन एंड कवल फीस आपको याद रखनी है, भिवानी हरियाणा में होता है। देन दिवाली दीवान वेलू थम्पी रिवॉल्ट, थम्पी है, थम्पी से हमने याद रखा था, ट्रावणकोर में है, लॉर्ड वेलिस्ली के अंडर कुछ चीज़ें हुई थी, कुंडाला प्रोक्लेमेशन, पालिका मीडिया आउटब्रेक उड़ीसा, पाइका रिबेलियन उड़ीसा, पाइका रिबेलियन के लीडर कौन थे, जगबंधु विद्याधर, उनके अंडर होती है। पालिका मीडी जो है उड़ीसा में होती है, बरेली पुलिस टैक्स, बनारस हाउस टैक्स, सूरत सॉल्ट टैक्स, कच्छ रिबेलियन देख लिया राजा भारमल,
ये हम ऑलरेडी कर चुके, वाघेरा राइजिंग काइकोर्स ऑफ बड़ौदा एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती है, अहोम रिवॉल्ट गोमधन कोवर बोंगोहेन फर्स्ट बर्मा वॉर, कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवॉल्ट गडकरीज मराठास, ठीक है, वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, कुका मूवमेंट पंजाब, ये हम कर चुके। अब हम करते हैं पीजन मूवमेंट्स। पीजन मूवमेंट्स में बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857 करेंगे। पहले हम बिफोर 1857 वाले देखते हैं। तो बिफोर 1857 वाले जो पीजन रिवॉल्ट्स में कुछ रिलीजियस ओवरटोन भी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनल एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो फर्स्ट कम नारकल बेरिया अपराइजिंग, ये 1780s में होती है, नारकल बेरिया निथार अली, तो एन से एन याद रखना है, नारकल बेरिया एन वाली जो है वो निथार अली ने करी है, इनको तीतू मीर भी बोलते हैं, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल में ही होती है। पहले इनकी ना सभी की लोकेशन देखते हैं। नारकल बेरिया वेस्ट बंगाल में होती है, पागलपंथी ये भी बंगाल में होती है, फैराजी रिवॉल्ट ये भी बंगाल में होती है, एंड मोपला जो है ये मालाबार में होती है, मोपला जो है वो मालाबार में होती है, ठीक है। सो ये तीन जो है, तीन पीजन मूवमेंट्स हम देखते हैं, नारकल बेरिया, पागलपंथी, देन फैराजी, तीनों ही बंगाल वाले रीजन में हुए हैं, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो नारकल बेरिया भी क्या होता है, निथार अली हो गए, वेस्ट बंगाल में होता है ये। यहाँ पे मुस्लिम टेनेंट्स जो है वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये अपराइजिंग करते हैं, एंड ऑल्सो अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने फैराजी जो वहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके अगेंस्ट बियर टैक्स जो है इम्पोज करा था, तो उस वो इसका रीज़न था। तो रीज़न समझ में आया, बियर टैक्स ऑन फैराजीज, लीडर समझ में आए किन्होंने किया था वो समझ में आया, ठीक है। एंड बाद में ये मर्ज हो जाता है वहाबी मूवमेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहले ये टेनेंट्स करते हैं रिवॉल्ट, मतलब पहले पीजेंट रिवॉल्ट होता है, फिर बाद में इसमें रिलीजियस ओवरटोन्स मिल जाती हैं और वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज पागलपंथी रिवॉल्ट, कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है, बंगाल के जो हजोंग एंड गारो ट्राइब्स होती हैं, पागलपंथी है ना तो जी से याद रख लो, गारो ट्राइब्स और साथ में हजोंग ट्राइब्स भी है, जी जे हजोंग का जो जे है वो ले लो एंड गारो ट्राइब्स का जी ले लो, ये तीनों को लिंक कर लो, हजोंग गारो एंड पागलपंथी। इसमें लीडर्स का नाम याद रखना है करम शाह एंड टीपू शाह, ठीक है, पागलपंथी में ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं है इसकी कोई मेरे पास, पागलपंथी में करम शाह एंड टीपू शाह, ठीक है। जो नारकल बेरिया थी दैट वॉज बाय निथार अली, एन से एन याद रखा था हमने, एंड इन्होंने यहाँ पे टैक्स पे करने से मना कर दिया। नेक्स्ट इज फैराजी रिवॉल्ट, फैराजी रिवॉल्ट भी 1840s में होता है, ये फैराजी जो है मुस्लिम सेक्ट है हमने ऊपर पढ़ा जिन पे बियर टैक्स लगाया था, उसके अगेंस्ट नारकल बेरिया अपराइजिंग हुई थी। सो ये फैराजी रिवॉल्ट होता है, मुस्लिम सेक्ट जो है वो करते हैं, ये हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर ये स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट, एंड ये ईस्ट बंगाल में होता है। एंड यहाँ पे इनका रीज़न क्या, इनका ये क्या करना चाहते थे, एम क्या था, ब्रिटिशर्स को बंगाल से बाहर निकालना, ठीक है। तो लीडर का नाम याद रख लो, हाजी शरीयत अल्लाह फैराजी रिवॉल्ट, हाजी शरीयत अल्लाह फैराजी रिवॉल्ट। और यहाँ पे इन्होंने टेनेंट्स को सपोर्ट किया था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, एंड ऑल्सो बाद में इन्होंने कुछ लोगों ने वहाबीज को भी ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट इज मोपला अपराइजिंग, तो ये भी पहले एक पीजेंट के कॉज को देख रहा होता है कि हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, जैसे ब्रिटिशर्स फील्ड साइज कम कर दिया था, ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स हो रहा था, पहले उसके अगेंस्ट होता है ये मालाबार में। बाद में जो है ये फर्स्ट इसलिए ना दो फेजेज में होता है, पहला होता है ये 1836 टू 54 के अंडर, 54 टाइम पीरियड के बीच में, तो सेकेंड होता है कांग्रेस और खिलाफत सपोर्टर्स के टाइम पे, मतलब जब कांग्रेस और खिलाफत ये सब का टाइम चल रहा होता है, और ये भी सपोर्ट करते हैं मोपला अपराइजिंग्स को, ये होता है 1920s के करीब में, ठीक है, 1920s में होता है ये। पर बाद में जब हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो कांग्रेस यहाँ से अपने आप को दूर कर लेता है। सो ये देखो पहले ये है इनकी डिमांड्स वगैरह क्या थी कि इनको जो है वो ठीक करो, ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म करो, एंड पहले रीज़न था, बाद में ये रिवॉल्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस आ जाते हैं, कम्युनल रिवॉल्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सो 1857 रिवॉल्ट से पहले जो भी पीजेंट अपराइजिंग्स होती है उनका रिजल्ट क्या हुआ, तो प्लाइट्स जो है, प्लाइट ऑफ पीजेंट्स जो है वो और ज़्यादा वर्सन हो गई। ब्रिटिशर्स जो है इनको लैंडलॉर्ड्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रिटिशर्स जो है वो टेनेंट्स को इग्नोर करने लगे और लैंडलॉर्ड्स का सपोर्ट करने लगे, ठीक है। बाद में पीजेंट्स जो है उनको बंगाल रेंट एक्ट जो 1859 का था उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिले, एंड उल्टा उन पर एडिशनल सेस लगा दिया एज अ पनिशमेंट कि आप लोगों ने रिवॉल्ट किए तो आप पे पनिशमेंट के तौर पे ये लगाया जा रहा है सेस, ठीक है। देन 1857 के बाद में नेचर इसका चेंज हो जाता है रिवॉल्ट का, अब दे आर फाइटिंग फॉर देयर इकोनॉमिक इशूज, ठीक है, एंड उनको अपने इमीडिएट एनिमीज के अगेंस्ट लड़ना है, जैसे मनी लैंडर्स एक्सेट्रा, ब्रिटिशर्स इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले हमने क्या देखा, फैराजी रिवॉल्ट हमने देखा था,
वो ब्रिटिशर्स को बंगाल से बाहर निकालना चाहते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, एंड अपने इमीडिएट एनिमीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे कि हमको इमीडिएट बेनिफिट्स चाहिए, इकोनॉमिक इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करो। कॉलोनियलिज्म उनका टारगेट नहीं था, जो 1857 के बाद में रिवॉल्व होते हैं पीजेंट वाले, ठीक है। एंड यहाँ पे लीगल राइट्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस आ जाती है, वो अभी हम देखेंगे। जैसे जितने भी हम रिवॉल्व पढ़ेंगे आफ्टर 1857, वहाँ पे लीगल मशीनरी का काफ़ी यूज़ हुआ है, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। तो आफ्टर 1857 के रिवॉल्व में अगर हम देखें, फर्स्ट इज़ इंडिगो रिवॉल्व जो कि बंगाल में होता है। यहाँ पे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, फर्स्ट इज़ इंडिगो रिवॉल्व बंगाल में होता है। पबना अपराइजिंग, ये पटना रीजन में होता है, बिहार में। डेक्कन रिवॉल्व डेक्कन एरिया में होता है, बस यही है। सो इंडिगो रिवॉल्व 1859 में होता है, मतलब दो साल के बाद, 1857 रिवॉल्व के दो साल के बाद ये होता है। यहाँ पे लीडर्स कौन होते हैं, इंडिगो में डी है, वहाँ से दिगंबर विश्वास आपने याद रखना है, और दिगंबर विश्वास के साथ विष्णु विश्वास अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास किसके थे, इंडिगो के, इंडिगो के डी का दिगंबर के साथ याद रखना है, ठीक है, डी डी मैच कर रहे हैं। लीगल मशीनरी इन्होंने यूज़ किया, न्यूज़पेपर कैंपेन्स करे, मास मीटिंग्स करी, एंड बाद में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लगाती है, उन्होंने कहा कि रायट्स को आप कंपेल नहीं कर सकते टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो रिवॉल्ट होते क्यों होंगे, क्योंकि इंडिगो ग्रो करने के लिए मजबूर किया जा रहा था रायट्स को, और लास्ट में इसका रेजोल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, पबना एग्रेरियन क्राइसिस होता है, उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट होता है 1870s to 1880s में। ईस्ट बंगाल में जो पटना है, पटना रीजन का यूसुफ शाही परागना है, वहाँ पे होता है। यहाँ पे रीज़न क्या है कि हाई रेंट होता है, ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं दिए जाते टेनेंट्स को, फोर्सिबल इविक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी कैटल वगैरह लैंड से सब सीज किया जा रहा होता है, वो सब रीज़न से। और इन्होंने रेंट स्ट्राइक कर दी, ठीक है, कि हम रेंट नहीं देंगे, और ये सब लीगल मीन्स के थ्रू कर रहे थे, एंड इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिली। और इसी के चलते हुए लास्ट में 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है इनको कुछ कंपनसेशन देने के लिए। नेक्स्ट इज डेक्कन रायट्स, ये होता है 1870s में, जो रियॉट वाली सिस्टम जो साउथ में चल रहा होता है उसके अगेंस्ट, उसमें काफ़ी हैवी टैक्स लग रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट ये रायट्स होते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, हैवी टैक्स क्यों लगा रहे होते हैं, बिकॉज आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर कॉटन प्राइसेस जो है काफ़ी क्रैश कर जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है फिर वो अपना लैंड रेवेन्यू जो है वो 50% इंक्रीज कर देती है। कॉटन प्राइसेस क्रैश कर गए मतलब कि गवर्नमेंट को उसके ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा कॉटन का, ठीक है, कॉटन प्राइसेस जो है वो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम चले गए हैं, तो उनको लैंड रेवेन्यू जो है उसका सहारा लेना पड़ा अपने इनकम के लिए, लैंड रेवेन्यू रेस कर दिया, एंड इसीलिए लोगों ने सोशल बायकॉट मूवमेंट जो है वो चला दिए अगेंस्ट मनी लेंडर्स, जो कि वहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आ रहे थे लोगों के पास। तो ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें लेटर मूवमेंट्स, तो एक हमने देखा 1857 के पहले जो पीजन मूवमेंट्स होती है, एक हमने देखा 1857 के बाद में जो पीजन मूवमेंट्स होती है, ठीक है, ये पहले वाली होगी, ये बाद वाली होगी। फिर 1920s की जो पीजन मूवमेंट होती है ना, उसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, जो 1920s में होती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, फाइन, तो वो अलग से हैं। फर्स्ट जैसे आप देखेंगे 1918 में किसान सभा मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, तो यूपी में किसान सभा बनती है 1918 में। लीडर्स का नाम याद रखना है, गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। तो यूपी वाले आपको याद रखने सरनेम्स, मिश्रा द्विवेदी, ये सब यूपी के सरनेम होते हैं। तो गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी ये यूपी किसान सभा के फाउंडर थे। और कौन कौन से लीडर्स हैं यहाँ पे, झिंगुरी हैं, दुर्गापाल सिंह हैं, बाबा रामचंद्र हैं। बाबा रामचंद्र याद रखना क्योंकि आगे अवध जो किसान सभा बनती है वहाँ पे भी है इंक्लूडेड, ठीक है। सो जैसे अवध किसान सभा ये बनती है 1920 में, यूपी वाली बनती है 1918 में, यहाँ पे बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू ये मिलके इसको बनाते हैं। एंड ये बेदखली लैंड को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम इसको टिल नहीं करेंगे, बेदखली लैंड, ठीक है, बेदखली लैंड मतलब कि जहाँ से टेनेंट्स को बेदखल कर दिया था, ठीक है, और इन्होंने मना कर दिया कि हम हरियन बेगार ऑफर नहीं करेंगे, विच वर अ टाइप ऑफ अनपेड लेबर। एंड ऑल्सो 1921 में इनकी मैथडोलॉजी जो है शिफ्ट करती है, पहले ये अपना लीगल मीन्स ही कर रहे होते हैं, मास प्रोटेस्ट ये सब, बट यहाँ पे लूटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लूटिंग, क्लैशेज विद पुलिस, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एका मूवमेंट 1921 में आता है, यूपी में आता है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, इसके लीडर याद रखना है मदारी पासी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, एका मूवमेंट, मदारी पासी याद रखना है।
और बाकी कुछ लोग आज ट्रेडर्स होते हैं वो भी इनको हेल्प करते हैं। और एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि मदारी पासी जो हैं वो नॉन वायलेंस के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, गांधी जी का जो नॉन वायलेंस आइडिया था उसको सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह सूरत में होता है, और वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है, सर वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। एंड बारडोली सत्याग्रह जब हो रहा होता है उसी के टाइम पर बारडोली की वुमन ने इनको ये उपाधि दी थी सरदार की, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्यों ये हुआ, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने लैंड रेवेन्यू 30% बढ़ा दिया था, उसके अगेंस्ट ये बारडोली सत्याग्रह होता है बाय वल्लभ भाई पटेल। सो यहाँ पे आपको अगर याद करना है ना, वल्लभ भाई में बी पे बहुत फोकस हो रहा है, ठीक है, बी पे फोकस हो रहा है बार बार, तो बारडोली सत्याग्रह उन्होंने करा हुआ है। नेक्स्ट इज पटेल जो होते हैं उन्होंने सेटअप किए 14 वर्कर्स कैंप्स जिनको छावनीज बोलते थे। तो पूछ सकते हैं छावनीज जो है वो क्या थे, किन्होंने सेटअप करे थे, तो ये वर्कर कैंप्स होते थे बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे पटेल जी ने इस्टेब्लिश किए। और सो उन्होंने बारडोली सत्याग्रह पत्रिका जो है ये भी स्टार्ट की। और जो लीडर्स हैं जैसे के एम मुंशी, लालजी नारंग जी, तो इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से रिज़ाइन कर दिया था इन सपोर्ट ऑफ बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, और गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था बारडोली सत्याग्रह को। नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनती है, लखनऊ में ये बनती है 1936 में। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट होते हैं और एन जे रंगा जो है इनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, याद रखना है एन जे रंगा जनरल सेक्रेटरी थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो है इसके प्रेसिडेंट थे, लखनऊ में बनती है 1936 में। फिर ये एक किसान मैनिफेस्टो जो है ये भी आता है इनका ऑल इंडिया किसान सभा का, एंड एक पीरियडिकल लॉन्च होता है इसका जो कि इंदुलाल याग्निक के अंदर होता है। तो याद रखना है इसका जो किसान मैनिफेस्टो बना था किसने बनाया था, इंदुलाल याग्निक ने, पीरियडिकल भी इन्हीं के अंदर रिलीज हुआ था। एंड जो कांग्रेस और ऑल इंडिया किसान सभा का सेशंस होते हैं इनके, वो दोनों ही फैजपुर में होते हैं 1936 में, ठीक है, मतलब लखनऊ में ये 1936 में बनी थी, फिर का सेशन हुआ था फैजपुर 1936 में। तो यहाँ पे आपके सारे पीजेंट्स रिवॉल्ट एंड सिविल अपराइजिंग्स ख़त्म होती हैं। अच्छा, पीजेंट्स रिवॉल्ट में दो और आते हैं अभी, तेलंगाना रिवॉल्ट एंड तेभागा मूवमेंट, बस ये दो करके फिर हम ट्राइबल मूवमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है 1939 to 1945, यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो स्प्लिट हो जाती है कम्युनिस्ट वर्सेस नॉन कम्युनिस्ट में। एंड बहुत सारे जो वेटरन लीडर्स होते हैं लाइक शाहजानंद सरस्वती जो इनके फाउंडर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा, ये सभी ने ये सभा जो है वो छोड़ दी, ठीक है, किसान सभा कंटिन्यू टू वर्क अमंग द पीपल। नेक्स्ट, ये हमने ड्यूरिंग वॉर देखा था क्या क्या हुआ, अब आफ्टर वॉर क्या होता है, तेभागा मूवमेंट स्टार्ट होती है 1946 में, ठीक है। देखो 1946 कैसे याद रहेगा आपको, बिकॉज ये याद रखना है कि तेलंगाना मूवमेंट एंड तेभागा मूवमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट खत्म होता है 1945 में, तो उसके एक साल के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होती है तेलंगाना एंड तेभागा मूवमेंट्स। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तेभागा मूवमेंट बंगाल में ये होती है, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो कहती है कि हमको मास स्ट्रगल के थ्रू इंप्लीमेंट करना है फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशंस ऑफ तेभागा। तेभागा मतलब कि 2/3 शेयर जो है वो बारगदार्स को देना है, दैट इज शेयर क्रॉपर्स को देना है। बारगदार्स मतलब कि जिनका वहाँ पे बराबर का हिस्सा है, शेयर क्रॉपर्स है। देखो आपको याद कैसे रखना है, बारगदार्स, तो बार्ग मतलब कि आपका जो। अब चलते हैं पोस्ट वॉर फेज में, मतलब 1945 में सेकेंड वॉर ख़त्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या होता है आपको याद रखनी है, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स होती हैं, तेलंगाना मूवमेंट्स एंड तेभागा मूवमेंट, ठीक है। ये इनका टाइम कैसे आपको याद रखा, ये कैसे याद रखेगा आपने, याद रखना है कि 1945 के बाद होते हैं ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में। तो अगर हम बात करते हैं तेभागा मूवमेंट की, ये होती है बंगाल में 1946 में, बंगाल में होती है। इसमें क्या होता है, एक फ्लड कमीशन आई होती है, फ्लड कमीशन याद रखना है किसके बारे में है, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि तेभागा जो है उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट इज़ 2/3 जो शेयर होता है वो शेयर क्रॉपर्स को मिलना चाहिए, क्रॉप का बागदार्स या फिर इनको कहते हैं बाग चासी अदयार जो कि शेयर क्रॉपर्स होते हैं, टर्म बोल सकते हैं कि ये टर्म किसके रिलेटेड है, शेयर क्रॉपर्स के रिलेटेड है। इसी के लिए तेभागा सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था फ्लड कमीशन ने, फ्लड कमीशन किसके रिलेटेड है, तेभागा मूवमेंट के रिलेटेड, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के रिलेटेड था। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इसकी जो रिकमेंडेशन थी तेभागा का 2/3 शेयर क्रॉपर्स, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने एक कॉल दी कि इसको इंप्लीमेंट करो, सो थ्रू मास स्ट्रगल, इसी को तेभागा मूवमेंट कहते हैं, फाइन।
नेक्स्ट इज ये जो स्टॉर्म सेंटर है मूवमेंट का वो था नॉर्थ बंगाल, ठीक है। एंड यहाँ पे राजवंशी जो होते हैं लो कास्ट ट्राइबल ओरिजिन के पीपल होते हैं ये, तो राजवंशी याद रखना है ये ट्राइबल ओरिजिन के पीपल होते हैं एंड इन्होंने मेनली यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। मुस्लिम्स में इन्होंने भी लास्ट नंबर में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तेलंगाना मूवमेंट, तो ये बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर होती है। पूछ सकते हैं कि बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वॉर कौन सी थी, तेलंगाना मूवमेंट था। तेलंगाना तो हैदराबाद में हुई है ये। रीज़न क्या था इसमें, सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज जो है उनको कर्व किया जा रहा था, फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन हुई थी बाय देशमुख जागीरदार्स एंड डोरा जो कि लैंडलॉर्ड थे, एंड फोर्स्ड लेबर दैट इज वेठी जो है वो हो रही थी। ये वेठी जो है वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है, यूपीएससी में, तो याद रखना है वेठी क्या है, फोर्स लेबर है। बागदार थे, बागचासी क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। अडयार क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। एंड यहाँ पे ये विलेज संगम बनाते हैं, मतलब ये इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या होता है, विलेज संगम बना लेते हैं और फिर लाठीज यूज़ करते हैं, स्टोन स्लिंग्स यूज़ करते हैं, चिली पाउडर अटैक्स करते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। एंड यहाँ पे अचीवमेंट क्या थी कि वेठी ख़त्म कर दिया गया, दैट इज़ फोर्स लेबर यहाँ पे ख़त्म कर दिया, वेजेस बढ़ा दिए गए और जो इलीगली लैंड ऑक्यूपाई करे हुए थे उनको रिस्टोर कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे ट्राइबल अपराइजिंग्स बिफोर 1857 रिवॉल्ट। इसमें फर्स्ट आता है पहाड़िया रेबेलियन। पहाड़िया रेबेलियन किसी पहाड़ी एरिया में हुआ है, राजमहल हिल्स पे होता है ये झारखंड में, एंड दिस वॉज अगेंस्ट दी ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन द लैंड, ठीक है। एंड लास्ट में इनको दमनी कोल टेरिटरी मिल जाती है, फाइन। तो याद रखना है पहाड़िया रेबेलियन कहाँ हुआ था, राजमहल हिल्स। नेक्स्ट कम्स छुआर अपराइजिंग्स, आती हैं बिहार में, एंड छुआर एबोरिजिनल ट्राइब्समैन होते हैं वो ये रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट राइज इन डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिप्रिवेशन बाय द ब्रिटिश। एंड छुआर अपराइजिंग को जंगल महल अपराइजिंग भी कहते हैं। इसमें लीडर्स होते हैं जगन्नाथ सिंह एंड दुर्जन सिंह। अब इसको याद कैसे करना है, लीडर्स को कैसे याद करना है, पहले तो छुआर जो है बंगाल में हुआ था, देखो ये ट्राइबल अपराइजिंग है एंड ये ईस्टर्न पार्ट वाले अभी हम कर रहे हैं। मान लो ईस्टर्न पार्ट वाले, पहले हमने देखा पहाड़िया रेबेलियन झारखंड में होता है, फिर बंगाल में यहाँ पे कहीं छुआर अपराइजिंग्स होते हैं, ठीक है। एंड इनके अगर हम लीडर्स की बात करते हैं तो इसमें जगन्नाथ सिंह एंड दुर्जन सिंह, देखो छुआर जो है सी के बाद डी आना चाहिए ना, तो यहाँ पे दुर्जन सिंह होंगे। तो छुआर अपराइजिंग, दुर्जन सिंह, सी के बाद डी आएगा, छुआर में भी यू है, डी में भी यू है, देन दुर्जन सिंह में जे भी आता है, तो यहाँ पे जगन्नाथ सिंह जो है वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज कोल अपराइजिंग, ये कोल्स ऑफ छोटा नागपुर करते हैं, ठीक है, तो ये छोटा नागपुर में होता है भाई बुद्धो भगत, तो बुद्धो भगत आपको याद रखना है। देखो कोल में भी ओ है, ठीक है, कोल में भी ओ है, बुद्धो में भी ओ है, लास्ट में बुद्धो में भी ओ पे फोकस करें, बुद्धो, कोल में भी ओ की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ज़्यादा अच्छे से फोकस हो रहा है, तो ओ ओ एंड छोटा नागपुर में भी ओ है, तो छोटा नागपुर, कोल, बुद्धो, बस ऐसे याद रख लो। दिस वॉज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ आउटसाइडर्स। नेक्स्ट इज हो एंड मुंडा ट्राइबल्स। तो हो ट्राइबल्स जो हैं ये लीड किए जाते हैं बाय राजा परहात, जो कि सिंघम एंड छोटा नागपुर वाले रीजन में होते हैं, अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंघम बाय ब्रिटिश। तो रीज़न क्या था, जो हो ट्राइबल्स करते हैं वो बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ सिंघम बाय ब्रिटिश, इसकी अगेंस्ट रिवॉल्व करते हैं, राजा परहात जो है उसको लीड कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट करते हैं। देन मुंडास जो होते हैं, मुंडास जो हैं देवा लड़पा बिरसा मुंडा, ये इसका क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी, एंड ये साउथ ऑफ रांची में होता है। इसमें बिरसा मुंडा जो है इनको लास्ट में कैप्चर करके इम्प्रिजन कर देते हैं। एंड उलगुलन अपराइजिंग आपको याद रखनी है, उलगुलन अपराइजिंग मुंडास के रिलेटेड है, बिरसा मुंडा इनको भी लीड करते हैं, ठीक है। दिस वॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल जमींदारी टेन्यूअर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। तो क्या अभी तक पढ़ा हमने, अभी तक हम पढ़ते हैं दिस, पहाड़िया रेबेलियन होता है राजमहल में, छुआर अपराइजिंग होती है, दुर्जन सिंह लीडर होते हैं बंगाल में होती है, जंगल महल अपराइजिंग कहते हैं, कोल, छोटा नागपुर एंड बुद्धो, ठीक है, ओ से हमने याद किया। हो एंड मुंडा अपराइजिंग में, हो में हमने देखा राजा परहात है, सिंघम में की ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, और जो मुंडास करते हैं वो बिरसा मुंडा और उलगुलन, याद रखना है। नेक्स्ट इज संथाल रेबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग है बाय संथाल्स, दिस वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कानू, तो ये दोनों ब्रदर्स थे बिहार में। तो संथाल का याद रखो बिहार में है, मतलब ईस्टर्न एरिया वाले ही अभी हम पढ़ रहे हैं, बिहार में हुआ है, और एस से आपको ऐसे याद रखना है, संथाल के लीडर कौन है, सिद्धू, एंड सिद्धू याद रहेगा तो उनके ब्रदर कानू भी है, सिद्धू एंड कानू, संथाल जो है एस से ऐसे याद रख लो, सिद्धू एंड संथाल।
दिस वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार एंड मनी लैंडर्स, मतलब मोस्टली सभी का यही रीज़न है, तो हम बार बार इसको पढ़ेंगे। एंड लास्ट में इनको एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल जो है ऑटोनमस डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं पहाड़ी रेबेलियन में दमनी कोल एरिया कुछ होता है तो उसको डिक्लेयर करते हैं एज देयर टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया जो है भागलपुर राजमहल का, इसके बीच का एरिया जो है इसको ऑटोनमस कर देते हैं। नेक्स्ट आती है खौंद अपराइजिंग, ये चक्र बिश्नोई इसके लीडर होते हैं एंड हिली रीजन में होता है ये, एक्सटेंडिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल एंड इन ओडिशा ऑल्सो। सो मतलब ये जो ईस्ट वाला रीजन है ना, ओडिशा बंगाल तमिलनाडु, ये सारा एरिया जो है यहाँ से कवर्ड होता है, ये खोंद अपराइजिंग्स यहाँ पे होते हैं। सो ये चक्र बिश्नोई जो है वो लीड करते हैं। देखो खोंद जो है, खोंद यहाँ पे ओ एन पे फोकस हो रहा है, खोंद में ओ एन का पे फोकस करो आप। एंड यहाँ पे आप बिश्नोई देखेंगे, बिश्नोई तो यहाँ पे भी ओ एन, यहाँ पे भी है, खोंड में भी ओ एन है, बिश्नोई में भी ओ एन है, यहाँ पे मतलब एन हो है, ओ है यहाँ पे, यहाँ ओ एन है, बस वैसा याद रख लो चक्र बिश्नोई। तो यहाँ कस्टम्स लाइक मारिया, ये आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। मारिया मतलब ये ह्यूमन सेक्रीफाइस का इनका एक कस्टम होता था, तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने बैन किया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था, याद रखना है। खोंद जो अपराइजिंग्स हुई है वहाँ पे, ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट चलते हैं कोया रिवॉल्ट्स। कोया रिवॉल्ट्स जो है आंध्र में होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी ट्रैक्ट है वहाँ पे होता है, तोमा सोरा इसको लीड करते हैं। तो कोया और तोमा इसको कुछ लिंक करना पड़ेगा। देखो इसको ना एक फनी तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे हमने किसी को बोलना है कि तुम्हें क्या हुआ, ठीक है, उसको आप थोड़ा अलग लैंग्वेज में बना दो कि तोमा क्या हुआ, तोमा कोया होया, मतलब कि तुम्हें क्या हुआ, उसको थोड़ा सा ऐसे डाइल्यूट कर दो, तोमा कोया हुआ, ठीक है। सो वैसे याद कर लो कोया तोमा, फाइन। अब देखो ऐसे फनी से अगर आप याद करेंगे ट्रिक्स तभी याद रहेगा, वरना एग्ज़ाम में इनको माइंड में लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, लीडर्स के नाम मेनली याद ही नहीं रहते वहाँ पे, तो इसीलिए ये याद हो गया। नेक्स्ट इज भील अपराइजिंग, जो कि वेस्टर्न घाट्स में होते हैं एंड ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ फेमाइन, मिस गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। रिफॉर्मर यहाँ पे एक होते हैं गोविंद गुरु, ये इनको हेल्प करते हैं। एंड गोविंद गुरु जो है न्यूज़ में भी हैं, ठीक है, इनका हमने पढ़ा था एक मानगढ़ मिसाकर, जो एंशियंट हिस्ट्री के करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी उसमें मानगढ़ मिसाकर हमने पढ़ा था, जहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट रोल था, तो ये आपने याद रखना है, इन्होंने यहाँ पर भी हेल्प की थी। नेक्स्ट इज रामोसी पीजेंट्स। रामोसी पीजेंट्स जो है इसमें रीजन्स क्या थे, सॉरी रामोसी अपराइजिंग्स जो है इसमें रीजन थे अनएम्प्लॉयमेंट, उनके फोर्स उनको डिसमेंटल किया जा रहा था, ये भी वेस्टर्न घाट्स में होती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में भील अपराइजिंग एंड रामोसी अपराइजिंग, ये दोनों यहाँ पे होती हैं। एंड ये जो रामोसी से देवर एम्प्लॉयड बाय मराठास, तो जब ऐसा हुआ कि एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज होती है तो इनका लाइवलीहुड चला जाता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने ये करा रिवॉल्ट, वही तभी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। एंड यहाँ पर लीडर्स कौन कौन से थे, चित्तूर सिंह, उमाजी नायक ऑफ पूना, बापू त्रिम्बकाजी सावंत, तो ये सब लीडर्स हैं, इनको आपको एक दो बार पढ़ के ही याद करना पड़ेगा। रामोसी प्रीजेंट है, रामोसी अपराइजिंग है, ये हुआ था चित्तूर सिंह, उमाजी नायक ऑफ पूना एंड बापू त्रिम्बकाजी सावंत इनके द्वारा। नेक्स्ट नायकाड़ा मूवमेंट। नायकाड़ा मूवमेंट जो है मध्य प्रदेश में और गुजरात में होता है। देखो मध्य प्रदेश में एम में एन हुआ है, नायकाड़ा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में ये नायकाड़ा मूवमेंट हुआ था। नायकाड़ा एन से आप एम याद रख लो कि एम एन हमेशा साथ में आएंगे, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है, और गुजरात में भी है ये, एंड ये अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कास्ट हिंदूज के अगेंस्ट हुआ था। नेक्स्ट इज खारवा रेविलियन, ये खारवार कम्युनिटी जो है वो करती है बिहार में, तो याद रखना है खारवा रेविलियन बिहार में हुआ है, बस इतना ही याद रखो। नायकाड़ा कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश गुजरात में, खारवार बिहार में। द नेक्स्ट इज खोंडा डोरा कैंपेन। खोंडा डोरा कैंपेन जो है ये विशाखापट्टनम के दाबूर रीजन में होता है, तो खोंडा डोरा कैंपेन विशाखापट्टनम में। हमने आंध्र प्रदेश में गोदावरी ट्रैक में एक और पढ़ा अभी पीछे, यहाँ पे दिखाते हैं कोया रिवॉल्ट हमने पढ़ा, और अभी हमने खोंडा डोरा पढ़ लिया, ठीक है, खोंडा डोरा कैंपेन। तो के से हैं दोनों, कोया एंड खोंडा डोरा कैंपेन दोनों ही आंध्र प्रदेश में हुए हैं। एंड दिस वॉज लेड बाई कोरा मलया, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, खोंड वाला जो है वो हमने अलग पढ़ा, वो भी वैसे ईस्टर्न कोस्ट पे ही है। खोंड अगर हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे ओडिशा तमिलनाडु बंगाल उस रीजन में है, एंड खोंडा डोरा, खोंडा इज डिफरेंट, खोंड इज डिफरेंट। नेक्स्ट इज भुआन एंड जुआंग रेबिलियंस, ये होती हैं ओडिशा के केउनसर रीजन में। भुआन एंड जुआंग जो रेबिलियंस हैं ये ओडिशा में होती हैं,
एंड इनको लीड करते हैं, इनका दो अपराइजिंग होते हैं, फर्स्ट वाली जो है इसको रत्ना नायक लीड करते हैं, सेकेंड को दमिधर नायक, बस इतना ही याद रखना है। उनके राजा जो थे उस टाइम के उनको हटा के ब्रिटिश ने अपना कोई पपेट इंस्टॉल कर दिया था, तो उसकी वजह से ये हुआ था। तो क्या याद रखना है, भुआन एंड जुआंग उड़ीसा एंड रत्ना नायक एंड धर्मीधर नायक। द नेक्स्ट इज कोया रिवॉल्ट जो अभी हमने पढ़ा, लेड बाय तोमा सोरा। कैसे याद करा हमने, तोमा क्या हुआ, ठीक है, तो तोमा कोया। एंड ऑल्सो दिस वॉज लेड बाय राजा अनंतायर इन 1886। तो 1880 तक तो तोमा सोरा लीड करते हैं, फिर 1886 में राजा अनंतायर भी इसको लीड करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। दिस वॉज अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय पुलिस मनी लेंडर्स एंड जो न्यू रेगुलेशन लाए थे, डिनाइल ऑफ राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ये सब रीजन से। नेक्स्ट आता है बस्तर रिवॉल्ट जो कि छत्तीसगढ़ में होता है, अगेंस्ट न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट लेवीज। देन तन्ना भगत मूवमेंट आती है, ये मुंडाज एंड ओरियन ट्राइब्स जो होती हैं तो उनके बीच में होता है, ठीक है, मतलब वो लोग मूवमेंट करते हैं एंड दे वर लेड बाय जात्रा भगत एंड बलराम भगत। तो तन्ना भगत, भगत जो है ये भगत ब्रदर्स ने लीड किया होगा, बलराम भगत एंड जात्रा भगत, तन्ना भगत, बलराम भगत एंड जात्रा भगत, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। एंड ये छोटा नागपुर वाले रीजन में होता है, यहाँ पे ये प्रीच करते हैं कि गॉड के एक डेलीगेट आएंगे और वो ट्राइबल्स को वहाँ से फ्री करवाएंगे, फाइन। तो बस लीडर्स के नाम याद रखने हैं, दैट्स इट। द रंपा रेबिलियन आता है, ये इट वॉज लेड बाय अलूरी सीतारामा राजू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कोयाज के ही होते हैं, जो हमने पढ़ा ना तोमा सोरा कोया, तो वही है, ये कोयाज के एक लीडर होते हैं अलूरी सीतारामा राजू, तो वो इसको लीड करते हैं रंपा रेबिलियन को। ये भी आंध्र प्रदेश में होता है, कोयाज भी आंध्र प्रदेश में है। देखो कोया रेबिलियन जो है वो भी आंध्र प्रदेश में होती है, देन खोंडा डोरा हमने देखा, खोंडा डोरा कैंपेन, वो भी आंध्र प्रदेश में होता है, रंपा रेबिलियन भी आंध्र प्रदेश में होता है, और दैट्स इट। नेक्स्ट इज झारखंड अपराइजिंग्स होते हैं बाय ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन एंड बिहार, बंगाल, ये यहाँ तक होता है। आदिवासी महासभा यहाँ पे फॉर्म होते हैं 1937 में, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय रीजनल झारखंड पार्टी इन 1947। नेक्स्ट आते हैं कुछ फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो जैसे चेंचू ट्राइबल्स जो हैं वो गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वहाँ पे करते हैं, तो याद रखना है चेंचू ट्राइबल्स आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट इज गोंड अपराइजिंग्स, तो ये था कि बिलीवर्स ऑफ गोंड धर्मा जो है उनको साथ में लाने के लिए, सो बस ये चीज़ें थी। नेक्स्ट है ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट के नहीं पढ़े हैं, अभी तक सिर्फ अपने मेन लैंड के पढ़े हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं, देन विल मूव ऑन टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो बिफोर 1857 कौन कौन से रिवॉल्ट होते हैं मेन लैंड में, पहाड़िया रेबिलियन राजमहल हिल्स में, छुआर अपराइजिंग बंगाल में, जंगल महल अपराइजिंग कहते हैं जगन्नाथ धल, जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह, धल वाले जो है वो अलग है, वो आप मुझे बताइए जगन्नाथ धल जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व थे, ठीक है। कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर एंड बुद्धो भगत। नेक्स्ट हो एंड मुंडा ट्राइबल, हो में राजा पारहाट, रीजन क्या था, सिंघम को ऑक्यूपाई कर लिया था, देन मुंडा बिरसा मुंडा उलघुलन। नेक्स्ट है सांथाल रेबिलियन, कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। एंड खोंड अपराइजिंग चक्र बिश्नोई, कैसे याद किया हमने, ओ एन और एन ओ, ठीक है। नेक्स्ट कोया रेबिलियन, तोमा सोरा, तोमा क्या हुआ, ठीक है, भील जो है वेस्टर्न घाट में होता है, गोविंद गुरु हेल्प करते हैं, रामोसी पीजन जो ये भी वेस्टर्न घाट में होती है, चित्तूर सिंह, उमाजी नायक ऑफ पूना एंड बापू त्रिबकाजी, ये होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नायकारा मूवमेंट है मध्य प्रदेश एंड गुजरात में, खारबार है बिहार में, खोंडा डोरा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, देन भुयान एंड जुआंग उड़ीसा में होता है, रत्न नायक एंड धम्मीधर नायक इनके लीडर्स होते हैं, देन ये राजा अनंतयार भी जो है तोमा सोरा की हेल्प कर रहे होते हैं कोया रिवॉल्ट में। बस्तर वाला देख लिया हमने, तन्ना भगत में बलराम भगत एंड जात्रा भगत एंड छोटा नागपुर में ही होता है, और संस्कृताइजेशन मूवमेंट की तरह ये स्टार्ट हुआ था। देन रंपा रेबिलियन देखा हमने, अलूरी सीतारामा राजू ऑफ कोयास आंध्र प्रदेश में, देन कुछ फॉरेस्ट सत्याग्रह हमने देखे। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल मूवमेंट से बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। तो बिफोर 1857 कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट्स होते हैं, अहोम रिवॉल्ट होता है, ऑब्वियसली असम में होगा ये, खासी रिवॉल्ट होता है अंडर तीरथ सिंह, इनके बस आप लीडर्स के नाम याद रखेंगे, खांसी आपने इसको याद कैसे रखना है कि तीरथ सिंह जो है आपको लग रहा है ये सामने किसी बुजुर्ग आदमी का नाम लग रहा है ये, ठीक है, तीरथ सिंह जो है नाम ऐसा लगता है कि किसी बुजुर्ग आदमी का नाम होगा, एंड याद रख लो उनको खांसी है, ठीक है, तो खांसी जो है वो तीरथ सिंह, एंड ये इसका रीज़न इंपॉर्टेंट है वैसे, खांसी रिवॉल्ट क्यों हुआ था, बिकॉज EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक रोड लिंकेज बनाना चाह रही थी ब्रह्मपुत्र एंड सिलहट में, ठीक है, तो उसकी वजह से काम जो भी करवाना था रोड का उसकी वजह से वो आउटसाइडर्स को लेके आ रही थी, तो इसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था। सिंगफोर्स रिवॉल्ट जो है असम में होता है अंडर नारंग
निरंग फिडू, इसको कैसे आपने याद रखना है, यहाँ सिंग फोर्स में भी पीएच है, फिडू में भी पीएच है, ठीक है, पीएच पीएच से याद रख लो इसको। सिंग फोर्स असम में है, नारंग फिडू। खासिस जो है मेघालय में होगा, खमती रेबिलियन ये भी असम में हुआ, तो सिंग फोर्स, खमती, अहोम ये सब असम में हुए। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आफ्टर 1857 नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से रिवॉल्ट होते हैं, फर्स्ट इज कुकी रिवॉल्ट, कि मणिपुर में होता है, कूका जो है वो पंजाब में होता है, ठीक है, कूका कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है। आप मुझे इसके लीडर्स का नाम बताइए। देखिए अगर आप ये आंसर्स जो है कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताते हैं तो उससे आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, ठीक है, पीछे जो पढ़ रहे हैं वो आप भूल नहीं रहे हैं या फिर आपको रिविजन की ज़रूरत है दोबारा, वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो कुकी रिवॉल्ट होता है मणिपुर में अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इसका रीज़न भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, खासिस का रीज़न जो है वो इंपॉर्टेंट था कि बाहर से लोगों को ला रहे थे किसके लिए, एक रोड लिंकेज के लिए, ठीक है। तो कुकीज में क्या रीज़न था कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लेबर्स को रिक्रूट किया जा रहा था एज सोल्जर्स, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये हुआ था कुकीज रिवॉल्ट इन मणिपुर। देन त्रिपुरा में रिवॉल्ट होते हैं अगेंस्ट हाउस टैक्स, ये भी याद रखना है। और देन जिया लॉन्गसोंग मूवमेंट है जो कि मणिपुर में होती है 1920s में, इट वॉज लेड बाई लांगमई, जामी लियांगमई एंड रोंगमई ट्राइब्स। तो जिया लॉन्गसोंग मूवमेंट जो है लियांगमई ट्राइब एंड रोंगमई ट्राइब कहाँ पर होती है, मणिपुर में होती है, अगेंस्ट दी फेलियर ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग कुकी वायलेंस। तो ये कुकी के टाइम पे, कुकी रिवॉल्ट के टाइम पे जो भी वायलेंस हुई होती है तो वहाँ से ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को, उसके अगेंस्ट ही जियालोंगसोंग मूवमेंट होती है, ठीक है, रोंगमई ट्राइब एंड लांगमई ट्राइब जो है ये करते हैं। देन नागा मूवमेंट, ऐसे नाम से लग रहा है कि नागा में, नागालैंड में होगा, बट ये मणिपुर में है, याद रखना है, ठीक है। एंड दिस वॉज लेड बाई ज़ाडो नांग, ज़ाडो नांग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड सेटिंग अप ऑफ नागाराज। तो नागाराज ही सेटअप करना चाहते थे, ज़ाडो नांग जो है इन्होंने किया था, ये ज़ाडो नांग है ना, एन ए एन जी लास्ट में, तो ये नागा मूवमेंट जो है वो इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, नो आगे भी है, वन सेकेंड। द नेक्स्ट इज हिराका कल्ट जो कि मणिपुर में था, एंड दिस वॉज लेड बाई रानी गैडिनिलियो। देखो रानी गैडिनिलियो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी, जैसे सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट होता है तो वहाँ पे नागालैंड में ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है, एंड आई थिंक ये यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। तो रानी गैडिनिलियो, हिराका कल्ट एंड मणिपुर, एंड द मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड बट काबुई नागा एसोसिएशन जो है ये फॉर्म की गई थी। बाकी कुछ और अगर स्मॉलर मूवमेंट्स की हम बात करते हैं तो रिवॉल्ट ऑफ सेंट नेक्स ऑफ जैंतिया हिल्स था, देन फुलागरी पीजेंट्स का रिवॉल्ट हुआ था, देन साफलाज ने रिवॉल्ट किया था, रिवॉल्ट ऑफ कच्छ नागाज ऑफ कछार, तो ये सब सारे कुछ हुए थे। बस आपको ऊपर वाले जो है वो याद रखने हैं, जैसे हिराका कल्ट हो गया, किसने लीड किया था, कहाँ पे हुआ था, कुकी, मोस्टली ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना आफ्टर 1857 वाले, कुकी रिवॉल्ट हो गया 1917 में है, ये मणिपुर में हो गया, ठीक है, जियालोंगसोंग मणिपुर में 1920s में है, नागा मणिपुर में 1905 में है, देन ये हिराका कल्ट 1930s में है, तो ये सारे ही मणिपुर में हैं मोस्टली। बस ये कुछ छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए जैसे त्रिपुरा में हुआ था हाउस एक्ट के अगेंस्ट, उनको छोड़ के। एंड 1857 के पहले जो हैं ट्राइबल मूवमेंट्स वो मोस्टली हुए हैं असम में, जैसे आप देखेंगे अहोम वाला, सिंग फॉल्स, खमती एंड एक खासी रिवॉल्ट भी है अंडर तीरथ सिंह, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे रिवॉल्ट ख़त्म होते हैं, ट्राइबल रिवॉल्ट। नेक्स्ट लास्ट चीज़ आती है सेपॉई म्यूटिनीज। तो सेपॉई म्यूटिनीज में आपको बस याद रखना है क्रोनोलॉजी, मे भी कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट होती है सिपॉई म्यूटिनी बंगाल में 1764 में। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुई होती है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। 1759 में क्या होता है, बैटल ऑफ बेदारा होती है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल में होती है बक्सर के टाइम पे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे। देन विलोर म्यूटिनी होती है 1800 समथिंग में। देन 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट जो है ये रिवॉल्ट करता है। आपको ये नहीं याद रखने हैं, बट हाँ, जैसे बंगाल म्यूटिनी कब हुई थी, बक्सर के टाइम पे 1764 में, विल्लोर म्यूटिनी 1800 के करीब हुई है। देन रिवॉल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी असम में होता है ये 1825 में। म्यूटिनी इन शोलापुर कब होती है, 1833 में। देन ये नंबर्स करके अगर पूछेंगे वो तो याद नहीं रहेगा, बस बंगाल, विल्लोर, ग्रेनेडियर कंपनी असम एंड शोलापुर, ये याद रख लीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने सारे सिविल अपराइजिंग्स, पीजेंट अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड सेपॉई म्यूटिनीज जो हैं बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857 सब कवर कर लिया है। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यस,
देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.